Dimahasao Congress leaders oppose postponement of council session. Two Congress leaders, as well as the members of North Kachar Hills Autonomous Council, Sri Daniel Langtasa and Sri Joy Singh Durung, oppose the postponement of the sixth session of 12th North Kachar Hills Autonomous Council, scheduled to be held on July 27th. Both the MSCs were addressing a press meet held today at Rajiv Bhawan, expressed their concern for the postponement of the council session on the pretext of prevailing corona situation and lack of space in session for social distancing, etc. Terming it as conspiracy to kill democracy, they alleged the council authority has postponed the session instead of holding in suitable places so that the people's grievances could not be discussed. Therefore, both the leaders have demanded that the session should not be postponed and suggested to hold the session in another suitable place like District Library Auditorium either. Namaste, Chuthai. आज दिमाहासव को पब्लिक के साथ में हम लोगों बहुत इम्पोर्टेंट बात शेयर करने के लिए आया है. हम श्री डैनियल लंकासा एमएससी कांग्रेस पार्टी का और हमारे साथ एमएससी जॉय सिंह दुरोंग गर्म पानी का. और आज बहुत दुख का बात है कि लगता है कि दिमाहासव में डेमोक्रेसी को धीरे धीरे ख़त्म करने के लिए मारने के लिए एक तो साजिश कर दिया. कैसे बोलने से 27 जुलाई को, ये आने वाला 27 जुलाई को हम लोग का एनसीएस ऑटोनोमस दिमाहासव का सेशन होने वाला था. तो साल में एक साल में चार टू सेशन होता है हम लोग का काउंसिल का. तो ये अभी 12th एनसीएस ऑटोनोमस काउंसिल जो है उसका सिक्स्थ सेशन, 2019 में हम लोग का नया सेशन काउंसिल बैठा था, तो ये सिक्स्थ सेशन होने वाला था. तो हम लोग को 22 जुलाई को एक नोटिस मिला और वो नोटिस था डेटेड 20 जुलाई और वो सेक्रेटरी से आया है एनसीएस ऑटोनोमस काउंसिल से. वहाँ में लिखा है कि अभी कोविड 19 को जो ये सिचुएशन हो रहा है इंडिया में, उसको देखते हुए हम लोग का जो काउंसिल असेंबली हॉल है जहाँ में सेशन होता है वहाँ में लिमिटेड स्पेस है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने नहीं सकेगा और इसलिए सेशन को पोस्टपोन कर देगा अंटिल फर्दर नोटिस. ये जो नोटिस भेजा है ये लास्ट मिनट में हम लोग को भेजा और जो रीज़न दिया है ये काउंसिल का सेशन पोस्टपोन करने के लिए, ये सरासर हम लोगों ने इसको रिजेक्ट करता है. क्यों बोलने से ये मेरे साथ में आप लोग के साथ में शेयर करने के लिए आज हम लोग का रूल बुक है काउंसिल का और यहाँ में चैप्टर 3 जो है मीटिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, मीटिंग्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में पॉइंट नंबर 1 में है कि द चेयरमैन और सच अदर पर्सन ऑथराइज बाय द गवर्नर शैल समोन द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल टू मीट एट सच टाइम एंड प्लेस ही और शी थिंक्स फिट. ही शैल इन्फॉर्म अबाउट द डे आवर एंड प्लेस फॉर सच मीटिंग ऑफ द काउंसिल. इसका मतलब यहाँ में क्लियरली लिखा है कि चेयरमैन डिसाइड करता है कि कौन सा डेट टाइम और प्लेस, जगह जहाँ में ये मीटिंग होगा. और ये मीटिंग्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का रूल्स में इतना सारा रूल्स है, यहाँ कोई जगह में भी मेंशन नहीं है कि मतलब एक ही जगह में, मतलब हम लोग का सेशन जो है वो एक ही डेजिग्नेटेड प्लेस, एक ही फिक्स प्लेस वहाँ में होना है बोल के. जिसका मतलब है कि अगर हम लोग का एनसीएस ऑटोनोमस काउंसिल अथॉरिटीज लोग को लगता है कि जो असेंबली हॉल है वो ज़्यादा छोटा हो गया और वहाँ में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो सकता है एमएससी लोग को बीच में, तो कोई दूसरा जगह सेलेक्ट कर दो. रूल बुक में तो लिखा है कि चेयरमैन कैन सेलेक्ट द डेट प्लेस एंड टाइम. तो हम लोग को यहाँ पास में बहुत सारा गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है, हम लोग ऑडिटोरियम है, हम लोग हॉल्स है, बहुत सारा जगह है जहाँ में हम लोग आराम से मीटिंग कर सकता है. तो ये ऑप्शन क्यों नहीं लिया और क्यों डायरेक्टली पोस्टपोन कर दिया. ताज्जुब का बात है कि ये नोटिस हम लोग को मिला 22 जुलाई को और उसके बाद पहले तो हम लोग को नोटिस को देखा और सोचा कि अरे ऐसा सिचुएशन क्यों हो गया. लेकिन
जस्ट या कल को देखने मिला कि हम लोग को सीएम का कॉन्फ्रेंस हॉल में एक मीटिंग बुलाया, वहाँ में सीएम प्रेजेंट है, एमएससी प्रेजेंट है, दूसरा पीडब्ल्यूडी का ऑफिसर लोग को बुलाया था, इंजीनियर्स लोग को बुलाया था, वो लोग प्रेजेंट है। और आप लोग को मालूम है कि सीएम जो कॉन्फ्रेंस हॉल है वो कैसा है, एक राउंड टेबल है, एक ओवल टेबल है, वहाँ में सब बैठता है, तो उसमें ज़्यादा डिस्टेंस है ही नहीं। और फोटोज भी अपलोड किया है, वो फोटोज़ में देखने को मिलता है कि उसमें डिस्टेंस मेंटेन नहीं करा। और बल्कि हम लोग का जो असेंबली हॉल है जहाँ हम लोग का सेशन होता है डीमा हसाओ का, वहाँ में तो अच्छा खासा डिस्टेंस है। अभी हम लोग जैसे डिस्टेंस लेके बैठा है उससे ज़्यादा डिस्टेंस लेके हम लोग मेंटेन कर सकता है। तो ये बात हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि काउंसिल का सेशन पोस्टपोन करता है बोल के कि असेंबली हॉल में डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर सकता है, लेकिन अभी भी कंटिन्यूसली अभी भी रेगुलरली मीटिंग कर रहा है। और गया कल भी सीएम का कॉन्फ्रेंस हॉल में मीटिंग कॉल किया, सीएम श्री देवलाल गोरलोसा खुद भी मौजूद थे उधर में, और वहाँ में उनको आज सामने सामने बैठा है, डिस्टेंस मेंटेन नहीं करा। उतना डिस्टेंस तो असेंबली हॉल में भी उससे भी ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन कर सकता है हम लोग को। तो ये क्या रूल्स बन रहा है और ये क्या हम लोग को ऐसे डिसीजन लेके हम लोग को काउंसिल का सेशन पोस्टपोन कर दिया? तो हम लोग को तो लगता है कि ये सिंपली डेमोक्रेसी को ख़त्म करने के लिए है, क्योंकि हम लोग को जो सेशन होता है साल में चार बार बैठता है और उसमें हम लोग को एक मौका मिलता है गवर्नमेंट को, काउंसिल को सवाल पूछने के लिए कि क्या क्या काम हुआ, कैसे हुआ, कहाँ में फंड स्पेंड किया है, कहाँ में हमको लगता है करप्शन हुआ है, तो आप लोग को जवाब क्या है इसमें। तो एज ए रिप्रेजेंटेटिव जो आदमी लोग ने हम लोग को चुन के इलेक्ट करके भेजा है, तो जनता का जो सवाल है हम लोग को पूछने के लिए हम लोग को साल में चार बार मौका मिलता है और वो लोग को जवाब देगा और हम लोग को उसके साथ में डिस्कस करेगा। और ये मौका भी हम लोग को एज ओपोजिशन एमएससी हम लोग को देने नहीं चाहता, ये हम लोग का अभी सोच में है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है वो लोग तो मीटिंग कर रहा है। अभी हम लोग जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी, वो लोग तो अपना एमएससीज को बुला के लॉकडाउन के टाइम में भी, कोविड के टाइम में भी बहुत सारा मीटिंग्स किया है, अभी भी कर रहा है वो लोग। और ये सब मीटिंग्स में हम लोग को तो कभी बुलाता नहीं है, इन्वॉल्व नहीं करता है हम लोग को। ठीक है, हम लोग अपोजिशन में है, लेकिन कभी हम लोग को राय लेने को भी बुला सकता है, नहीं बुलाया, ठीक है नहीं बुलाया, समझ सकता है आप लोग अपोजिशन को कुछ भी मतलब हम लोग को राय लेने नहीं मांगता है, ठीक है समझता है आप लोग को ये व्यू है। लेकिन ये जो सेशन होता है जिसमें सेशन में तो हम लोग अपोजिशन भी ऑटोमेटिकली हम लोग सब इन्वाइटेड होता है और हम लोग को सवाल पूछ सकता है, तो ये जब हम लोग को एक तो मौका मिलता है उसको भी आप लोगों को ख़त्म करना चाहता है। दैट मींस आपको डेमोक्रेसी नहीं चाहिए डीमा हसाओ में। डीमा हसाओ में अभी जो रूलिंग पार्टी है उसका राज चलेगा, वो लोग जो बोलेगा हम लोगों को मानना पड़ेगा कि वही सच्चाई है। क्या हो रहा है, सच क्या है, हम लोग को मतलब सवाल उठाने को हम लोग को मौका ही नहीं देगा हम लोग को। ये बहुत आज के दिन में बहुत दुख का बात है कि डीमा हसाओ में ऐसा हो गया। और ये हम लोगों ने अभी आज ये प्रेस मीट कॉल किया क्योंकि हम लोगों ने बोलना चाहता है कि 27 जुलाई को जो सेशन होने वाला था वो होना चाहिए। ये रूल बुक में लिखा है, हमको तो समझ नहीं आता कि वो लोग रूल पढ़ता है ना नहीं। अगर वो लोग रूल्स पढ़ता रहा तो ये आज नौबत ही नहीं आता रहा। हम लोगों ने जाके वहाँ में हम लोग को रिक्वेस्ट करने के लिए काउंसिल को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रूल्स वो लोग के साथ में होना चाहिए। रूल्स देख के भी वो लोग दे आर ब्रेकिंग द रूल्स, वो लोग को अलग जगह सेलेक्ट करना चाहिए लेकिन वो लोग ने सेलेक्ट नहीं किया। तो आज हम लोग रिक्वेस्ट करता है कि 27 जुलाई को सेशन होना चाहिए, ये जो 6th सेशन ऑफ 12th एनसीएस ऑटोनोमस काउंसिल होना चाहिए। आप जो दूसरा जगह सेलेक्ट कर लो, अगर हमको अगर आप सजेशन सुनने में अगर आप इंटरेस्टेड है तो हम बोलेगा कि डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी ऑडिटोरियम भी है, लगने से एक एमएससी दूसरा एमएससी को 30 फीट दूर करके भी रख दो, हम लोग बैठ लेगा। और दूसरा सारा बहुत सारा बिल्डिंग्स हॉल्स है यहाँ में जहाँ में हम लोग को मीटिंग कर सकता है। कल्चरल हॉल है, कल्चरल हॉल में अगर हम लोग वोट टेकिंग कर सकता है, हम लोग वोट टेकिंग कल्चरल हॉल में किया था, वोट टेकिंग कर सकता है तो हम लोग सेशन क्यों हम लोग कल्चरल हॉल में नहीं कर सकता है? वहाँ में दूर दूर में चेयर लगा दो, हम लोग कर लेगा। लेकिन ये 27 जुलाई को जो होने वाला था सेशन उसको पोस्टपोन नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, हम लोग का डिमांड है, ये हम लोग का मांग है। और पब्लिक को ये जानकारी देना ज़रूरी है कि कैसे हम लोग को अभी रूल्स के मुताबिक नहीं जाके
अपना खुशी से मर्जी से मतलब ये काउंसिल चला रहा है और सेशन को पोस्टपोन करके पब्लिक का जो सवाल है, हम लोग इलेक्टेड एमएससी का जो सवाल है उसको वो लोग मतलब उससे दूर भागना चाहता है। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सभी चैनल को, प्रेस दिमाशो को। तो अभी अभी जो दिनेल साहब ने बताया कि जो 27 में जो सिक्स सेशन जो होने जा रहा था कि काउंसिल ने रिसेंटली हम लोग को एक पोस्टपोन का जो नोटिस दिया है, इसमें मैं बहुत दुख है, उसमें अपोज करता हूँ कि ये 27 में जरूर सेशन होना चाहिए। क्योंकि देखो नेक्स्ट टू सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट में गर्म पानी जैसा कॉन्स्टिट्यूंसी कि काउंसिल का गवर्नमेंट का जी एक प्लान है कि गर्म पानी कॉन्स्टिट्यूंसी में आप टूरिज्म डेवलपमेंट करना है, इंडस्ट्रियल एरिया है, रॉ मटेरियल रिचेस कॉन्स्टिट्यूंसी गर्म पानी में है और ख़ास करके 60% रेवेन्यू कलेक्शन फ्रॉम गर्म पानी कॉन्स्टिट्यूंसी से होता है। तो साल में सिर्फ 4 बार ही काउंसिल का सेशन होता है। तो गर्म पानी कॉन्स्टिट्यूंसी के इलाका सारा समय सा जो पब्लिक का ग्रीवेंसेस है, तो सिर्फ 4 बार ही हम लोग मैंने एक साल में प्लेस करने मिलते हैं गवर्नमेंट के पास। आज ये मत समझो कि हम अपोजिशन है बोल के हर चीज़ में अपोज करने के लिए काउंसिल में नहीं जाता, ताकि हम डिस्ट्रिक्ट ये पीपल ऑफ दिमाशो एंटायर उसको लेके सारा समय सा कि प्रॉब्लम तो सिर्फ एक जगह नहीं होता, एंटायर दिमाशो में होता है। तो ये सब को सवाल हम लोग ये सेशन में हम लोग समय मिलता है पूछने के लिए। तो ये हम लोग खुल के डिबेट होने मांगता, खुल के जानकारी लेने मांगता, ताकि पब्लिक लोग ये मालूम हो जाओ कि हमारा डिस्ट्रिक्ट में कितना तक डेवलप होगा, नहीं है कितना तक अधूरा है, कितना तक आगे चला गया। तो ये जब सब चीज़ अगर ये सेशन में अगर पोस्टपोन हो जाए तो ये पब्लिक का ग्रीवेंसेस तक भी आप लोग लेने नहीं मांगता, तो ये क्या गवर्नमेंट है? तो मैं गवर्नमेंट को ये सवाल करता हूँ कि आपने रिसेंटली हम लोग का सीएम साहब ने ये न्यूज़ में एक ब्रीफिंग किया है, हम देखा है इसमें कि आपने तो बोला है यहाँ ट्राइबल बेल है, हम लोग ये काउंसिल ना कांग्रेस ने बनाया ना बीजेपी ने बनाया, ये यहाँ का आम जनता, यहाँ का शिक्षित जो ट्राइबल को प्रोटेक्ट के लिए हमारा जमीन से लेके ऑलराउंडर डेवलपमेंट को लेके हमारा भाषा से लेके सबको लेके ये डिस्ट्रिक्ट बनाया है आपने बोला है। तो ये सब सवाल, ये सब इश्यूज को चर्चा करने के लिए आपने सेशन 4 बार एक साल में होता है। तो ये समय तो कम से कम यह डिस्ट्रिक्ट का जो पीपुल है, लिविंग पीपुल, दिमाशो का जनता का आवाज रखने का जगह ये सेशन है, तो कम से कम आप इसको तो आप रेस्पेक्ट कीजिए, आप उसको तो जरूर पोस्टपोन क्यों करता है? रीजन हमको ऐसे दिखाई देता है कि आपने वहाँ में डिस्टेंसिंग मेंटेन का जगह होल मैंने फिट नहीं है। तो अभी अभी जो बताया कि दिमाशो में गवर्नमेंट का होल बहुत सा जगह है कि कोई जगह भी होल बच सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है, आप रूल को वायलेट किया है, ये चीज़ होना नहीं चाहिए। और ये 27 में जरूर हम लोग का जो अपोजिशन के तरफ से डिमांड है और इन द रेस्पेक्ट ऑफ द पीपल ऑफ दिमाशो के जो लोगों का ग्रीवेंसेस का डिमांड है कि आपका ये सेशन पोस्टपोन होना नहीं चाहिए, ये सवाल हम लोग जो रखा है ये सवाल का जवाब हम लोग ये सेशन में मिलना चाहिए, ये मेरा दरख्वास्त है, ये मेरा डिमांड है। बाकी हमारा तेरा सवाल कुछ बोलेगा और मैं 2 बात बोल के ख़त्म करूँगा। एक है कि सेशन तो उस लोग ने पोस्टपोन किया है बोल के कि मतलब कोविड-19 को लेके 27 में होने वाला बात था, लेकिन जो हम लोग को क्वेश्चंस पूछा वो तो हम लोग ने सबमिट कर दिया टाइम में, वो लोग ने ले भी लिया, एक्सेप्ट भी कर लिया। और सवाल एक्सेप्ट करने में वो लोग तो नहीं बोला कि हम लोग इसका जवाब नहीं देगा बोल के, लेकिन आज 24 जुलाई हो गया, 24 जुलाई तक तो उसका जो जवाब है कोई किसी किसी को मालूम नहीं होगा, वो पब्लिक को तो हम जानना चाहता है। तो हम लोग जो सवाल देता है उसका आंसर ऑलरेडी सेशन के पहले काउंसिल से आता है, तो वो लोग रिटर्न फॉर्मेट में प्रिंट करके डॉक्यूमेंट बना के वो लोग हम लोग को बाय मेल हम लोग को भेजता है, घर 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 में भेज देता है एमएससी को। सो आज तक आ जाना चाहिए था, अभी खाली 2 दिन बाकी है 27 होने के लिए। ठीक है सेशन आप लोग ने पोस्टपोन किया वो तो हम लोग एग्री नहीं करता है, बट फिर भी अभी तक तो जवाब आ जाना चाहिए था घर में, लेकिन जवाब नहीं पहुंचा। तो आज सुबह जब मैंने सेक्रेटरी को फ़ोन किया, क्योंकि सेक्रेटरी की तरफ से नोटिस आया, मैंने फ़ोन किया लेजिस्लेटिव में कि हम लोग का जवाब कहाँ है, अभी तक तो हम लोग को मेल में घर में पहुंच जाना चाहिए था इन प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स। तो वो लोग बोला कि नहीं अभी भी कलेक्ट कर रहा है, तो मैंने बोला तब तक कब आएगा, तो बोला कि खबर करेगा कि कब आप लोग को जवाब मिलेगा। तो ये देखिए आप लोग ऐसे सिचुएशन है, वो लोग ने अभी तक जवाब भी नहीं दिया मतलब। और लास्ट पॉइंट हम ये बात बोल के ख़त्म करेगा कि अगर आप लोग
लॉकडाउन करके सक्सेस हुआ बोल रहा था आप लोग, हम लोग ने सब समर्थन दिया, सब ने, पब्लिक ने, ओपोजिशन ने, किसी ने अपोज नहीं किया, हम लोग, आप लोग ने बोला लॉकडाउन फिर से करेगा, करा। लेकिन आज का दिन में फिर से केस बढ़ रहा है और आप लोगों ने अगर सक्सेस बोलता है लॉकडाउन को तो ये सेशन आप लोग क्यों चलाने नहीं सकता है। और फिर भी अगर आपको खुद लगता है कि नहीं ये लॉकडाउन सक्सेस नहीं हुआ और अभी भी डर है तो हम लोगों प्रिवेंट करने के लिए कोविड 19 से हम लोगों कुछ भी ये सब सेशंस मीटिंग नहीं कर सकता है तो आप लोगों बाकी सब मीटिंग भी ख़त्म करो, आप लोगों जो खुद मीटिंग कर रहा है वो भी ख़त्म करो। और हम लास्ट एक तो ऑप्शन देगा आप लोग को, क्यों ना आप लोगों डिजिटल एक सेशन कर दो। तब तो अभी आप लोग डिजिटल इंडिया सक्सेसफुल हुआ है बोलता है चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर लोग, आप लोग देखा है न्यूज़ में, देखता है हम उन भी देखने मिलता है कि ऑनलाइन आप लोग मतलब सेशंस करता है। और ख़ास तौर पे हम देखा है बीजेपी में बहुत सारा लीडर्स लोग, हम लोग डिस्ट्रिक्ट का भी, वो लोग अपना फेसबुक में फ़ोटो भी डाल रहा है कि एक तरफ से कोई नेशनल लीडर, स्टेट लीडर लैपटॉप में मतलब ऑनलाइन वो लोग एक तो मीटिंग करता है। तो आप लोगों विद इन द पार्टी आप लोग ये कर सकता है तो सेशन भी आप लोगों ऑनलाइन क्यों नहीं कर सकता। हम लोग तो रेडी है, हम अपना घर से दुरोंग जी अपना उमरांसो से हम लोगों अपना मोबाइल फोन से लैपटॉप से हम लोगों ऑनलाइन डिजिटल सेशन करेगा। और प्लस जूम है, क्या है, आप लोग तो सब आजकल तो यूज़ कर रहा है। वी हैव ओनली 28 मेंबर्स, 28 MSC को लेके ऑनलाइन सेशन करो और सब पब्लिक लोग को भी देखने दो, इससे ज़्यादा और बेहतर क्या बात होगा। पब्लिक लोग को भी इनवाइट करो वो सेशन में, हम लोग ऑनलाइन डिबेट होगा, ऑनलाइन डिस्कशन होगा, ये हम लोगों सजेस्ट करता है। अगर आप लोगों में हिम्मत है, आप लोगों ने एक्चुअली डेमोक्रेसी को रेस्पेक्ट करता है तो अब तो आप लोगों अगर कुछ बात छुपाने नहीं मांगता है तो आप लोगों सेशन करो 27 जुलाई में, जैसे भी सेशन करो ये हम लोगों का डिमांड है। अगर आप लोगों 27 जुलाई को सेशन नहीं करेगा और अभी तक तो हम लोगों को जवाब भी नहीं पहुंचा है तब तो इसका मतलब होगा कि हम लोगों का डेमोक्रेसी को NCLs ऑटोनॉमस काउंसिल 6th शेड्यूल एंड इस डेमोक्रेसी को धीरे धीरे ख़त्म करना चाहता है और ख़त्म कर ही दिया और वो लोग मतलब अपना मन मर्जी से वो लोग चलाना चाहता है। तो ये तो पब्लिक डिमांड को पब्लिक कभी नहीं मानेगा और ये चीज़ हम लोगों एज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम हाफलोंग एंड गरम पानी हम लोगों भी कभी अपना पब्लिक लोग को ऐसा मतलब ना इंसाफी होने नहीं देगा। इतना बोल के हम लोगों अपना बात समाप्त करता है।